अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर तैबा बाबर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्क ऑन साइंस नोटबुक। एज वी हैव डन द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ लेसन नंबर वन, दैट इज एम आई अलाइव और नॉट। इन दिस लेसन वी हैव लर्न अबाउट द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी हैव लर्न अबाउट द एक्सरसाइज, उसमें हमने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में प्रैक्टिस की है। फिर हमने एक एक्टिविटी की थी जो अपने नोटबुक पर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को पेस्ट करना था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्क ऑन द नोटबुक। वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स टुडे। सो फॉर दैट यू हैव टू टेक आउट योर नोटबुक ऑफ साइंस। आफ्टर टेकिंग आउट द नोटबुक, राइट डाउन द डेट, दैट इज 15/4/2021। क्लास वर्क यू विल राइट इन द मिडल एंड देन थर्सडे यू विल राइट ऑन द टॉप राइट साइड। Then after that you will draw margin line with your scale. Then you will start from the first line. First of all you will write lesson number one, am I alive or not. Lesson number one likhne ke baad phir lesson ka naam likhna hai aapne, am I alive or not, right? Phir aap likhenge next line mein answer these questions. Today we will do two question answers, question one and two on the notebook. सो राइट क्वेश्चन वन बिफोर दिस लाइन, इस लाइन से पहले क्वेश्चन वन लिख के फिर लाइन के साथ से ही आपने क्वेश्चन लिखना शुरू कर देना है। दैट इज डिफाइन लिविंग थिंग्स। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन अगेन। डिफाइन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, डिफाइन करना है उनको, ठीक है, बताना है कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। नाउ यू विल राइट आंसर ए एंड एस, शॉर्ट फॉर्म ऑफ आंसर यहाँ पर लिखेंगे, फिर लाइन के साथ से आपने आंसर स्टार्ट करना है। Living things can move, eat, drink and breathe. Living things क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या होते हैं living things? वो होते हैं जो move कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं और सांस ले सकते हैं, ठीक है। What define living things? Living things can move, eat, drink and breathe. Right? This is the first question. Now let's start the second question. Question number two. Write question two here. लाइक दिस, क्यू की शॉर्ट, क्वेश्चन की शॉर्ट फॉर्म क्यू और नंबर जो है वो टू लिखना है आपने। क्वेश्चन नंबर टू इज आर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग थिंग्स क्वेश्चन मार्क, क्या पौधे और जानवर जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, जिंदा हैं, जानदार हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द आंसर। आंसर इज येस, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। जी हाँ, जो पौधे और जानवर हैं वो जिंदा हैं, जानदार हैं, लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। सो दीज आर द टू क्वेश्चंस। अगेन आई विल रीड दीज क्वेश्चंस फॉर यू। क्वेश्चन नंबर वन, डिफाइन लिविंग थिंग्स, फुल स्टॉप। आंसर, लिविंग थिंग्स कैन मूव, ईट, ड्रिंक एंड ब्रीथ। क्वेश्चन नंबर टू, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग थिंग्स। आंसर, येस, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, ठीक है। लिविंग थिंग्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, जो जिंदा चीज़ें होती हैं, जो जानदार होती हैं, जो खा पी सकती हैं, हिलजुल सकती हैं, सांस लेती हैं, बढ़ती हैं, वो क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। अब लिविंग थिंग्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसा कि इंसान, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, जितनी भी हैं वो सारी लिविंग थिंग्स हैं, जो हिलजुल सकती हैं, खा पी सकती हैं। इसी तरह सी वर्ल्ड में देख लें आप, समुंदर में जो होते हैं फिश, ऑक्टोपस, जितनी भी जिंदा चीज़ें वो सारी लिविंग थिंग्स हैं। अब लिविंग थिंग्स कौन कौन से हैं वो भी आपको मैंने बता दिया। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, सांस ले सकते हैं, हिलजुल सकते हैं, खा पी सकते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, वो लिविंग थिंग्स होते हैं। और अब आपको जो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना, आई होप समझ आ गया होगा कि कौन सी चीज़ लिविंग थिंग है और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग थिंग है। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री इन आर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू दीज टू क्वेश्चंस ऑन द नोटबुक। अल्लाह हाफिज़।